भविष्यतियो मैं जस्ट एक वर्स बोलना चाहूंगा जिसमें मार्कोस 4 उसका 26 से 29 उसमें प्रभु यीशु ने दिया है द पैराबल ऑफ द ग्रोइंग सीड। मैं इसे इंग्लिश में पढ़ता हूँ। जीसस वेंट ऑन टू से द किंगडम ऑफ गॉड इज लाइक दिस अ मैन स्कैटर्स सीड इन हिज फील्ड He sleeps at night and is up and about during the day, and all the while the seeds are sprouting and growing. Yet he does not know how it happens. The soil itself makes the plants grow and bear fruit. First the tender stalk appears, then the head, and finally the head full of grain. When the grain is ripe, the man starts cutting it with his sickle because harvest time has come. इससे मुझे ऐसा मालूम पड़ा जिसे हम लोग मसीह में आते हैं और हम मसीह जीवन जीना शुरू करते हैं और हमें प्रभु का वचन पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा की भरपूर्ति सीख करते हैं, मांगते हैं और प्रभु के इस हिसाब से दिन रोज अपना क्रूस उठाकर चलने लग जाते हैं। उसमें क्या होता है अगर शुरू शुरू में हमें कुछ होगा इश्यूज क्योंकि हमें कुछ पाप में गिरते रहेंगे या फिर डर लगता रहेगा या अविश्वास होता रहेगा तो हमें तभी निराश नहीं होना चाहिए। बस अपना काम जैसे हम लोग रोज ब्रश करते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, रोज वचन पढ़ना चाहिए। भले आपका जीवन फिलहाल उतना अच्छा ना हो, अंदरूनी जीवन खराब हो, फिर भी आप गिव अप मत कर, पढ़ते रहना वचन को, पढ़ते रहना वचन को। अभी वो देखा जैसे कि एक वो कैटरपिलर रहता है, कैटरपिलर उसको हम लोग अगर देखते हैं उसको जो बटरफ्लाई बनना जाता है तो वो एक ककून में जाता है अंदर और वो ककून में बहुत टाइम तक रहता है और धीरे धीरे करके जब उसको टाइम आता है तितली बनने का तो वो स्ट्रगल स्टार्ट करता है, वो जो ककून को तोड़ने लग जाता है। तो अगर हम लोग उसको जाके हेल्प करें उस ककून को तोड़ने को तो इतना जल्दी वो उतना पावरफुल बटरफ्लाई नहीं बनेगा, जल्दी मर जाएगा, बटरफ्लाई बनेगा ही नहीं। लेकिन अंदर हम पता नहीं प्रभु को पता, प्रभु ने बनाया कि अंदर प्रभु देखते हैं वो कैटरपिलर बन रहा है दिन ब दिन, मंथ ब मंथ, पता नहीं कितना उसको साइकिल में पता नहीं, बट बनते जा रहा है उस बटरफ्लाई अंदर। और जब सभी समय आता है, सही समय आता है तो बटरफ्लाई बन जाता है, पूरा उड़ने लग जाता है, इधर चल जाता है, हम बोलते कितना ब्यूटीफुल बटरफ्लाई है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं वो अंदर कितना गंदा कैटरपिलर है ना। इसलिए हमें बोलना है प्रभु भले मैं आज पाप में गिरा, 2 या 3 बार भी मिला, पर आप मुझसे प्यार करते हैं। पढ़ना चाहिए और वचन पर मनन करना चाहिए दिन भर रात भर। आमीन।